जिला ग्राम उद्योग उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड आजमगढ़ के द्वारा आयोजित मंडलीय स्त्री खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ जिलाधिकारी राजेश कुमार के द्वारा किया गया। वहीं जिलाधिकारी के द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित की गई और लगी दुकानों का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने दुकानदारों से कहा कि आप लोग अपने गुणवत्ता में कोई कमी न लाए और शुद्ध सामान प्रदर्शनी में बेचे, जिससे गांधी आश्रम का नाम बदनाम न हो। जो जर्जर सड़कें हैं उस पर सभी SDMs को निर्देश दिया गया है कि अगले 3 दिन के अंदर 3 दिन में वो अपने क्षेत्रों में जो सड़कें हैं उनकी स्थिति बताएंगे कि किन किन सड़कों पे गड्ढा मुक्ति किसे नहीं किया गया है, तो वो सूचना हम एकत्र करके उसमें कार्रवाई करेंगे। उद्देश्य यही है कि सभी सड़कों में गड्ढा मुक्त रहें और ट्रैफिक बड़े सुचारू रूप से चलता रहे। सर, जो मानक के अनुरूप जो कुछ लोग काम कर रहे हैं उनकी जाँच क्या कर रहे हैं? देखिए, कार्यों की जाँच होती रहती है, जैसे कि नगर क्षेत्र में भी टीम हमेशा गठित रहती है। ऐसे ही PWD के, तो इनका तो अलग से PWD विभाग का अलग से एक टीम रहती है, वो जांच भी करती है, तो उसके हिसाब से अगर मानक में कोई कमी आती है तो उसमें भी कार्रवाई होगी। सर, शहर के हर्रा चुन्नी से दलालघाट रोड बन रहे हैं सर, तो उसके लिए आपने काफ़ी प्रयास किया सर? वो जल्दी ही वो रोड भी बन जाएगी, क्योंकि सबसे ख़राब रोड अगर देखा जाए तो नगर पालिका आजमगढ़ में वही रोड है, तो उसको जल्दी ही उसको ब्लैकटॉप कर दिया जाएगा। उसमें गड्ढियाँ पड़ गई हैं, अब ब्लैकटॉप होना बाकी है, मे बी एक दो दिन में वो पूरी हो जाएगी। सर, आधे बन रहे आधे छोड़ दिए गए? किस जगह पे छोड़ दिया गया है? वो जवा मरी पीढ़िया मरी तक बन रहा है, उसके बाद रोक दिया गया। अच्छा, उसको हम दिखवाते हैं कहाँ तक, जहाँ तक सेंक्शन होगा पूरा बनेगा। जो बंदरों की स्थिति बहुत आतंक है।